हेलो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज संतलाल सिंह एंड यू आर वाचिंग द इंग्लिश एजुकेशन एरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश पेडागॉजी। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू क्रैक सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, बी आर टेट, सुपर टेट एंड अदर स्टेट टेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, इंग्लिश गॉट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर, अंग्रेजी को जो है सहायक कार्यालय भाषा का दर्जा मिला किस अधिनियम के तहत। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में पारित हुआ था उसके अनुच्छेद आर्टिकल 343 के अंतर्गत के अनुसार के आधार पर जो है अंग्रेजी को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। सो हियर द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स टेक न्यू वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा अधिगम में जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। सो ऑप्शन नंबर ए, टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नो, टू नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, यस दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन पीटीएम्स रॉन्ग, एंड टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, टू नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग इज द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोर ऑफन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर ए 21, बी 22 और सी 23 है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी 24। तो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट साउंड पूछा गया था, तो हियर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश एंड देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो कॉन्सोनेंट साउंड की बात हुई है इसलिए हियर द ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर फोर, नरेटिंग अ स्टोरी एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज कहानी कहना और कहानी सुनना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि स्टोरी प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल। जी हाँ ठीक है, और जो बाकी ऑप्शन है जैसे स्टोरी हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू वर्ड्स होता है, स्टोरी हेल्प टीचर टू प्रिवेंट इनडिसिप्लिन इन द क्लास ये भी है, स्टोरी हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मेनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ये भी है, पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहाँ ये है कि स्टोरीज प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, हेंस ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 का है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है इंडिया में क्या है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन इंडिया, हेंस ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट, नॉट अ फर्स्ट एंड एसोसिएट एंड फॉरेन लैंग्वेज, दीज थ्री ऑप्शन आर रॉन्ग। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। लेट्स टेक न्यू वन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आईएस नॉम चॉम्स्की'स थ्योरी सेज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो लैड होता है हेल्प्स चिल्ड्रन टू, अर्थात नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के अनुसार लैड जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वह बच्चों की मदद करती है टू जनरेट ग्रामर रूल्स, ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की इंडक्टिव मेथड में यानी आगमन विधि में फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम क्या दिया जाता है, रूल्स आर टोल्ड यानी आगमन विधि में सबसे पहले नियम बताए जाते हैं इंडक्टिव मेथड में, एग्जाम्पल्स आर गिवेन, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी, तो इन इंडक्टिव मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स आर गिवेन देन रूल्स आर टोल्ड, सबसे पहले उदाहरण दिए जाएंगे इंडक्टिव मेथड में उसके बाद फिर नियम बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
method follows the rules from unknown to known. So the deductive method of teaching follows the rule from unknown to known. Hence, option number B would be correct. Question number 9. Which one of the following approach emphasizes on habit formation? निम्नलिखित में से कौन सा approach habit formation पे बल देता है? Hence, here the option would be D. Behavioristic approach emphasizes on habit formation. Option number D is correct. Question number 10. Banishing mother tongue in the classroom is the characteristic features of classroom से mother tongue को हटाना किस विधि का जो है characteristic feature है तो this is the characteristic features of direct method option number A would be correct. Dear friends, thanks for watching the complete video. If the video is helpful, so please subscribe to the English Education Era and don't forget to press the bell icon for latest notification. Stay home, work from home. Thank you so much once again. Jai Hind, Jai Bharat.